धोबी, जिस धोबी के कारण प्रभु राम ने लीला करी कि सीता जी को त्याग करके वाल्मीकि आश्रम भेजना पड़ा। सिंपल नियम तो नियम है, इसको आने नहीं देंगे हम। ये तो आपके इसने आपकी बुराई करी है, सीता मैया पे दोष लगाया, ऐसा व्यक्ति वैकुंठ आएगा? नहीं प्रभु, नहीं। बोले नरक में रख लोगे इसको? यमराज कहते प्रभु नरक में हम रख सकते थे, लेकिन इसके आने से हमारे नरक की दुर्गंध बढ़ जाएगी। कहीं इसको नरक में भी नहीं रख सकते हो? कहें प्रभु आपके प्रति जो अपराधी हो, भक्तों का अपराधी हो, जिसने सीता माई के प्रति बोला हो, जाके प्रिय ना राम विदेही तजी होता है परम स्नेही। कितना परम स्नेही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो राम सीता का राधा कृष्ण का अपराधी हो उसको त्याग देना चाहिए। ये मैं नहीं बोलता हूँ, गोस्वामी जी लिख कर गए तुलसीदास जी। भगवान राम के बारे में एक बहुत सुंदर बात आती है। राम जी जब अपनी लीलाओं को 11,000 वर्ष एक जगह वर्णन है और एक जगह 13,000 वर्ष, जब भगवान ने अपनी हजारों वर्षों की लीलाओं को समाप्त किया और भगवान अपने नित्य धाम साकेत जा रहे थे, तो एक बड़ी अद्भुत लीला आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी, ना कभी देखी होगी, इस बात की गारंटी है। रामलीला पूरी देखी होगी लेकिन नहीं सुनी होगी कि राम जी जब नित्य धाम को जा रहे थे तो सारे लोग सरयू नदी के किनारे आए और राम जी ने अपने विमान के ऊपर आरूढ़ हुए लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी अपने अपने विमानों पर, दिव्य विमानों पर प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव संकर्षण चारों विष्णु तत्व ऊपर जा रहे थे, तो जितने अयोध्या वासी थे सब बोले प्रभु राम हम तो आपकी लीलाओं के लिए नीचे आए थे, हमें भी अपने साथ ले चलिए। कुछ स्वर्ग के देवता आए थे, कुछ ब्रह्मलोक से आए थे, कुछ तपस्वी ऋषि आए थे, कुछ वेद आए थे, कुछ श्रुतियां आई थी, कुछ स्मृतियां आई थी, सब ने कहा हमें छोड़ दे जाना प्रभु। राम जी बोले चढ़ो, सब विमान पर बैठ गए। हनुमान जी बोले मैं नहीं जाऊंगा, विभीषण बोले मैं नहीं जाऊंगा, तो इन लोगों को भगवान ने कहा कि ठीक है तुम रह जाओ। हनुमान बोले मैं कथाएं सुनूंगा, विभीषण बोले मैं लंका का राज्य संभालूंगा, प्रभु जब कार्य पूर्ण होगा तब हम आपके धाम को आएंगे। राम जी जाने लगे तो चेकिंग हुई, अयोध्या में कोई रह तो नहीं गया, तो हनुमान जी बोले नहीं प्रभु विमान छोड़िए ऊपर की ओर उड़ाइए, हो गया पूर्ण संपूर्ण। सारे अयोध्यावासी विमान में आ गए, इतना बड़ा विमान मन की गति से बड़ा हो गया पूरा, सब आ गए, एक रह गया कौन? धोबी। जिस धोबी के कारण प्रभु राम ने लीला करी कि सीता जी को त्याग करके वाल्मीकि आश्रम भेजना पड़ा, जो कि भगवान की इच्छा थी, भगवान चाहते थे कि ऐसा हो। क्यों? क्योंकि सीता जी ने कहा 11,000 वर्ष हो गए प्रभु, एक भी संतान नहीं है, जिस दिन संतान होगी ना इस कार्य से, इस राज कार्य से दूर करके मुझे किसी वन में भेजना ताकि मैं आराम से अपनी डिलीवरी कर सकूं, मुझे इस कार्य राज की झंझट में अपने बच्चों को जन्म नहीं देना है, मैं रिलैक्स होना चाहती हूँ। कहा ठीक है, एक आश्रम है वाल्मीकि जी का, उनसे मैं बात कर लेता हूँ, वहाँ भिजवा देंगे। तो पूरी बातचीत होकर के गए, फिर भी प्रभु राम रोए क्योंकि उनका बहुत अटैचमेंट है अपनी अंतरंगा शक्ति से। प्रभु ने कहा तुम कैसे जाओगी सीता? सीता जी कहती हैं देखिए आपके वंश में कौन कौन हुए, राजा रघु हुए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, आपका वचन था कि प्रजा प्रधान है बाद में मेरा परिवार है। आजकल नेताओं के लिए परिवार प्रथम है प्रजा बाद में, लेकिन जो नेता के लिए परिवार बाद में और प्रजा पहले है वही नेता अच्छा नेता होता है। राम जी ने कहा ठीक है मैं परिवार का त्याग करता हूँ, धोबी को संतुष्ट करना, प्रजा को संतुष्ट करना ज्यादा जरूरी है परिवार को संतुष्ट करने से भी ज्यादा। ठीक है, तो सीता जी का एग्रीमेंट होकर के लक्ष्मण जी छोड़ने गए। तो इस प्रकार जो धोबी के कहने पर निकाला उस धोबी को प्रभु ने एंट्री नहीं दे रहा था कोई भी, नहीं 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 तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे। भगवान राम बोले अरे लीला तो मेरी थी ना, इसकी क्या गलती है, आने दो, ये तो मेरी संकल्प शक्ति से सारी लीलाएं हुई हैं। कोई भी लीला वाल्मीकि रामायण कहती कोई भी लीला ऐसी नहीं है जिसमें प्रभु की इच्छा ना आई हो, फिर भी ऐसे ढोंगी ढोगले काव्य कवि इस भारत वर्ष में हो गए जो प्रवचन दे रहे हैं कि सुंदर कांड के बाद में उत्तरकांड हुआ ही नहीं, ऐसे ढोंगी भी हो गए, उत्तरकांड हुआ ही नहीं, अरे कवि हो गए तो क्या तुम परमात्मा हो गए? तुम परमात्मा हो, फिर भी लोग सुनने आते, बोलते बड़े अच्छा है मजा आया, अरे तुम सुनना चाहते हो गाने तो भजन सुन लो जाकर के, बहुत सारे संसार में म्यूजिक, अगर असली तत्व जानना चाहते हो उस व्यक्ति से सुनो जो प्रमाणिक हो, जो परंपरा में आता हो। तो क्या कहते हैं, कहा आने दो इसको। प्रभु राम ने कहा, हनुमान जी बोले नहीं प्रभु इसके कारण सीता मैया ने इतने दुख भोगे, ना 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 ना। भगवान राम मुस्कुरा कर कहते कोई दुख नहीं भोगा, वो मेरी क्षति, आने दो।
राम जी ने उसको कहा, मेरा जो ये पीत पटका है ना कनक कपीसम, इसको पकड़कर बैठ जा चुपके से मेरे गद्दी के पीछे। तो वो पीछे पकड़ के पटका बैठ गया। विमान उड़ेगा तो कोई तुझे फेंक ना दे, मेरे से पकड़ के रहेगा तो ऊपर ही रहेगा। विमान उड़ने लगा, सब लोग अपने अपने इस गंतव्य पे उतरने लग गए। कोई स्वर्ग को उतरा, कोई ब्रह्म लोक में, कोई तप लोक, कोई जन लोक। जब विरजा नदी पार हुई, करण सागर पार हुआ, वैकुंठ का द्वार आया, साकेत धाम आया, तो सारे के सारे तो अंदर प्रवेश कर गए जो वैकुंठवासी थे, जो लीला के लिए आए नित्य सिद्ध। लेकिन प्रभु राम और धोबी दो लोग रह गए थे। तो धोबी के लिए गेट बंद हो गया। जब गेट बंद हो गया तो प्रभु राम बोले, मतलब मैं अगर इसको लाऊंगा मेरी नहीं चलेगी यहां पर। बोले नहीं प्रभु, आपका ही है सब कुछ, लेकिन प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल, नियम तो नियम है, इसको आने नहीं देंगे हम। ये तो आपके इसने आपको आपकी बुराई करी है, सीता मैया पे दोष लगाया, ऐसा व्यक्ति वैकुंठ आएगा? नहीं प्रभु नहीं। भगवान बोले कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा नीचे भेज देता हूं, ब्रह्मलोक चले जाओ। तो ब्रह्मलोक भेज दिया। ब्रह्मा जी द्वार पर खड़े थे, ब्रह्मलोक पर धोबी गया, भगवान राम साथ में गए। बोले नहीं नहीं प्रभु, हमारा ब्रह्मलोक पूरा गंदा हो जाएगा इस आदमी से, हम नहीं ले जा सकते इसको। जिसने आपको कष्ट दिया हम इसको कैसे ले जाएं? भगवान बोले मेरी लीला थी, मानो मेरी बात। नहीं प्रभु नहीं, ब्रह्मलोक से भी छोड़ दिया, ब्रह्मलोक से निकाल दिया। बोले अच्छा कोई बात नहीं, स्वर्ग का राजा इंद्र तो किसी को भी ले लेता है, छोले भटूरे बांट दो रोड पे खड़े हो गए तब भी उन्हें भी ले लेता है, स्वर्गवासी हो जाते हैं, और तुम स्वर्ग में रख लो। इंद्र बोला नहीं प्रभु नहीं नहीं नहीं, हमारा हम मानते हैं, हम हर भंडारे वाले को अंदर एंट्री दे रहे हैं, लेकिन इसको तो हम भी नहीं दे पाएंगे, इसको 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 हम नहीं दे। बोले फिर क्या करे? तो उस जगह भगवान ने अपने संकल्प शक्ति से यमराज का स्मरण किया। यमराज आए, बोले नरक में रख लोगे इसको? यमराज कहते प्रभु नरक में हम रख सकते थे, लेकिन इसके आने से हमारे नरक की दुर्गंध बढ़ जाएगी। कहा इसको नरक में भी नहीं रख सकते हो? कह रहे प्रभु आपके प्रति जो अपराधी हो, भक्तों का अपराधी हो, जिसने सीता माई के प्रति बोला हो, जाके प्रिय ना राम विदेही तजियो ताहे परम स्नेही, कितना परम स्नेही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो राम सीता का राधा कृष्ण का अपराधी हो उसको त्याग देना चाहिए। ये मैं नहीं बोलता हूँ, गोस्वामी जी लिख कर गए तुलसीदास जी। जाके प्रिय न राम विदेही तजियो चाहे परम स्नेही, परम स्नेही हो। और उदाहरण भी देते हैं, प्रहलाद ने जिस तरह अपने पिता को त्यागा, विभीषण ने जिस तरह अपने भाई को त्यागा, रावण को त्याग दिया, ध्रुव ने अपनी माई को त्यागा, बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया, गुरुजी को त्याग दिया। अगर गुरुजी गड़बड़ बातें करें कि माला मत करो हमारे गुरुजी बताते हैं, अगर गुरुजी ऐसी बात बोले, गुरुजी त्याग दिए, बलि ने गुरुजी त्याग दिए, वह गुरुजी गड़बड़ है जो आपको गोविंद से नहीं मिलाते। परंपरा क्या है उनकी? क्या चतवारी परंपरा में आते हैं? परंपरा विहीना मंत्र निष्फल मतहा, अगर परंपरा विहीन है तो मंत्र का फल नहीं मिलेगा आपको। मन में जपो या जीभ से जपो या सोकर जपो, परंपरा विहीन मंत्र निष्फल मतहा। तो अभी तो भगवान राम बोले, ब्रह्मा तुमने मना कर दिया, वैकुंठ तुमने मना कर दिया, इंद्र तुमने मना कर दिया, नरक के यमराज तुमने मना कर दिया, मैं इसको कहां ले जाऊं? प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, इसने मेरी शरण ली है, किंबा दयालु शरणम व्रजे में, मुझसे ज्यादा दयालु कोई नहीं है। भगवान ने कहा एक और साकेत बना देता हूं। भगवान ने एक और वैकुंठ की रचना कर दी। बोले यहां तुम अपने परिवार के साथ रहो और मैं भी यही रहूंगा, देखता हूं वैकुंठ वाले मेरे पीछे पीछे आते हैं कि नहीं आते। सारे वैकुंठ वाले बोले प्रभु आप क्या कर रहे हैं, ऐसा मत करिए ना, ऐसा मत कर, दूसरा वैकुंठ बनाएंगे तो नियम। बोले फिर जो मेरी बात नहीं मानोगे? कहा प्रभु आपकी बात कैसे नहीं मानेंगे, आइए। ढोल नगाड़े बजा बजा कर धोबी को वैकुंठ में लेकर गए। बोलो सियापति रामचंद्र की। आप कहेंगे प्रभु जी हमने तो ये कहानी कभी सुनी नहीं थी, आपने तो कहीं से पता नहीं कोरी रचना कहीं गढ़ ली और फिर हमको सुना दिया। अपने मन से कोई आपने गढ़ के सुनाया है, लेकिन देखिए शास्त्रों में एक जगह पर यह बात बोली गई है। तुलसीदास जी इस बात को वर्णन करते हैं अपने एक श्लोक में कि भगवान ने उनके लिए लोक विशोक, भगवान ने एक लोक बनाया उस विशोक व्यक्ति के लिए, लोक विशोक बनाए बसाए। तुलसीदास जी अपने वचन में लिख रहे हैं रामचरितमानस में, लोक विशोक बनाए बसाए। किसको? जो राम जी का निंदक था। तो वो एक चौपाई आती है बड़ी सुंदर,
उसमें उन्होंने बोला है कि राम विशोक बसाए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें लगता है कि हम भगवान के निंदक हो जाएंगे या हो जाएंगे कुछ भी और नाम नहीं लिखेंगे तब भी हम पार हो जाएंगे, लेकिन पार हो नहीं सकते। पार होने के लिए तरीका है केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम